बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखें, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये मैं बता दूँ आपको, एम ए, एम एस सी, ए डी ई, बी एस, बी एड, बी एड 1.5, 2.5 और उसके बाद 4 ईयर्स बी एड, उसके बाद बी ए, बी कॉम, 9th, 10th, एफ ए, आई कॉम, एफ एस सी, इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ, एल एम एस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और रिसेंटली जो है अपडेट आ चुकी है यूनिवर्सिटी की जानब से। आज की शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बनने जा रही है, आपको ज़रा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू नो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे भी कोई भी अपडेट आती है तो फौरन से पहले मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझसे जितना हुआ मैं इसी तरह इंशाल्लाह आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो अजीज तलबा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अजीज तलबा, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक के आगे को भी पैसे नहीं लगने वाले, इससे हौसला अफजाई होगी और ये शेयरिंग मैं इसी तरह आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। और जिन मेरी बहनों, भाइयों, स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बंडल ऑफ थैंक्स, अगेन थैंक्स। तो जी मेरे को स्टूडेंट यहां पर क्लियर सुन ले, वादे सुन ले, पहले मैं बताना चाहूंगा एलएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो अलग अलग से अपडेट्स हैं, दोनों में यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, एक असाइनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स आपके अभी जो रिसेंटली मैं यहां पर बता दूं, एमए वाले और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को, और ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें, ये जो बीए बीकॉम है ये फेज टू में आते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसको फेस वन में इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ पॉइंट जो है यूनिवर्सिटी जो एफ ए आई कॉम के लिए, एफ एस सी के लिए, 9th, 10th के लिए सिलेक्ट करती है, वो बी ए बी कॉम के लिए भी होते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, 9th, 10th यानी कि मैट्रिक, एफ ए आई कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने असाइनमेंट्स बाय हैंड, बाय पोस्ट या टीसीएस के थ्रू जमा करवाते हैं, तो ये बच्चे भी बाय हैंड, बाय पोस्ट या टीसीएस के थ्रू ही जमा करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स एलएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ये जो लेवल यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये एलएमएस के ऊपर जमा कराते हैं, जिसमें एमए, एमएससी के, एक तो ये बड़ी अपडेट ये पर यहाँ पर आ चुकी है कि एमए और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं काफी तादाद में अभी बच्चों ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई थी, तो अब इनके लिए गुड न्यूज ये है कि ये अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और जो भी कि आपके कजन, चाचू, मामू या कोई भी है जो एमए या एमएससी कर रहे हैं इलामा कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो आपने उनको बताना है कि अपडेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट जो है वो 10 कर दी गई है, 10 नवंबर तक आप जमा करवा सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है एडीई, बीएस, बीएड में 1.5, 2.5 जितने भी बीएड है, इन तमाम पर जो इसके जो ऊपर ये वाले जो बच्चे हैं इनकी डेट को एक्सटेंड किया गया है, इन बच्चों की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, एक तो बात, ये वाले जो बच्चे इनकी डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, और दूसरे नंबर पर ये वाले जो बच्चे हैं इनकी तो डेट को 1% भी एक्सटेंड नहीं किया गया, क्योंकि इन बच्चों के नीचे वाले जो क्लासे हैं इन बच्चों की तो असाइनमेंट्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं और इन बच्चों के भी जल्द ही असाइनमेंट्स के रिजल्ट आने वाले हैं। तो अजीज तलबा, जो आप परेशान हो रहे थे यहाँ पर मैंने आपको फुल गाइड किया है, अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फुल कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अब तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।